यहाँ का कार्यक्रम तो हो गया है। तो बाकी दोस्तों कंडाल गांव में मैं आ रखा हूँ गोलू भाई के साथ। दोस्तों अभी हम सभी भाई लोग घूमने जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम भी यहाँ मैच खेलेंगे, हमारी टीम भी सेलेक्ट हो गई। बाकी दोस्तों इस स्कूल को देखकर अपने स्कूल की याद आ गई। जिसको भी स्कूल की यादें बहुत सताती है तो कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश पवार और स्वागत है आपका बुडना गांव के इस खूबसूरत गांव कंडियाल गांव से। बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है कंडियाल गांव से, और कंडियाल गांव में हम शादी में आ रखे थे। यहाँ तो आज दाल पिसाई और जो भी कार्यक्रम होगा वो आज है, और कल है यहाँ मेहंदी और परसों है दोस्तों यहाँ बारात। बाकी दोस्तों मौसम की बात करिए, मौसम काफी सुहावना एवं ठंडा मौसम है, देख सकते हैं आप। और सामने देख लो भाई, माल्टे के पेड़ पे कितने अच्छे और लाल लाल माल्टे लगे हैं। तो बाकी दोस्तों कंडियाल गांव में मैं आ रखा हूँ गोलू भाई के साथ, और यहाँ है भाई जी की बहन की शादी। तो भैया की बहन की शादी है, गांव का नाम कंडियाली है ना, कंडवाल गांव। ओ सॉरी, कंडवाल गांव। बाकी दोस्तों इधर है हमारे बड़े भाई साहब विवेक भरतवाल जी। नमस्कार दोस्तों, घर में देख सकते हैं आप, घर का माहौल कुछ इस प्रकार से है। बाकी दोस्तों जो भी शादी का डेकोरेशन, कुर्सी टेबल वगैरह वो सामने रखा है, शायद कल इसको आराम से बढ़िया करके लगाएंगे। इधर चांदनी वगैरह जो भी पहाड़ों में लगता है। तो चलिए जी, अभी मैं आपको ले चलता हूँ सीधा रसोई में, जहाँ पर की अर्ध से कलयो जो भी हमारा पहाड़ी कलयो है वो बन रहा है। बाकी ये देख सकते हैं आप, आंटी जी आराम से अकेला यहाँ अरसे बना रहे भाई। ये दोस्तों कुछ अरसे तो बन के तैयार हो चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। तो बाकी दोस्तों ये देख सकते हैं अरसे के बाद जो गुलगुले होते हैं, ये गुलगुले बन रहे हैं। हाँ, ये आटा और गुड़ के बनते हैं। अच्छा, अभी ये काचे हैं, अभी काचे हैं, ये पकने के बाद बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों पहाड़ी कलियो। इधर आप चूल्हे को भी देख सकते हैं, कितना अच्छा चूल्हा बना रखा है। तो दोस्तों जो ये पहाड़ी कलियो है ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ये है अरसे, वो है गुलगुले, ये कैसे ना, वो है दाल की पकौड़िया। ये जब सब बनाते हैं ना, बाद में ये सबको बांटे जाते हैं जो बनाने वाले होते हैं। बाकी दोस्तों अंकल जी बता रहे हैं कि जो ये कलियो एक बार सब बनता है, उसके बाद सभी में बांटा जाता है, कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे आप। ये देख लो भाई,
बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप पहाड़ी शादी में पहले लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती है क्योंकि काफी सारा काम होता है शादी में, काफी किस कई प्रकार के पकवान बनते हैं, खाना बनता है, तो इसके लिए लकड़ियां काफी जरूरी होती है भाई। ये देख लो सब इकट्ठा करके रखनी पड़ती है पहले ही। बाकी दोस्तों जो ये चूल्हा बना रखा है ये बनाया है अंकल जी ने खाली मिट्टी के लिए, मिट्टी की मिट्टी यार गोबर गोबर कुछ न रहे हो किस के लाल मिट्टी। कितने दिन में बनाए ये? एक दिन में बन रहा है, एक ही दिन, दो घंटे के अंदर। काफी अच्छा चूल्हा है, काफी बढ़िया है चूल्हा। मैंने तोड़ दिया आज, इन्होंने तोड़ दिया। जी यहाँ का कार्यक्रम तो हो गया है, अब हम थोड़ा सा घूमने जाते हैं। अभी यहाँ रखे दोस्तों हम इस साइड, इधर है पॉली हाउस, मैं दिखाता हूँ आपको पॉली हाउस में क्या क्या है। तो चलिए जी पॉली हाउस के अंदर चलते हैं। ये देख लो यहाँ कई प्रकार की सब्जियां लगा रखी हैं। ये है दोस्तों गोभी और ये है पालक राई जो भी है, ये प्याज, ये अभी छोटा छोटा है। वैसे तो काफी सारी सब्जियां होती है पॉली हाउस के अंदर। अभी फिलहाल यहाँ गोभी, राई और ये क्या बोलते हैं प्याज लगा रखा है। कि दोस्तों अभी हम सभी भाई लोग घूमने जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। क्रिकेट खेलने जा रहे थे, क्रिकेट अभी पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उतना फिक्स नहीं बता सकते। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं स्कूल में। ये देख लो गाइस ये पूरा स्कूल है यहाँ से वहां तक। दोस्तों जो ये स्कूल है ये है राजकीय इंटर कॉलेज बुढ़ना। बाकी दोस्तों इस स्कूल को देखकर अपने स्कूल की याद आ गई। जिसको भी स्कूल की यादें बहुत सताती है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक सामने है भाई काफी बड़ा ग्राउंड जहाँ पर सभी भाई लोग क्रिकेट खेलते और हम भी अब क्रिकेट खेलेंगे भाई। बाकी दोस्तों हमारी टीम भी सेलेक्ट हो गई, मैं, गोलू और एक और भाई है बैटिंग में, और तीन जो हमारे और प्लेयर थे वो है फील्डिंग में। तो देखते हैं क्या सीन होता है आज का। बाकी दोस्तों काफी बढ़िया मैच हुआ 10-10 ओवर का। देख सकते हैं आप सभी अपने अपने घर चले गए क्योंकि ठंडा काफी हो रहा और शाम हो गई है। तो बाकी दोस्तों हम आए दूसरे रास्ते थे और जा दूसरे रास्ते से। ये देख लो लंबा रास्ता ही है। हेलो तो चलिए जी रोड पे पहुंच गए हैं। दोस्तों अंधेरा भी हो गया है और हम क्रिकेट खेल के रोड पे पहुंच गए हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूं मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।